नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार एसएससी की वैकेंसी आ गई है, इसका फॉर्म भी जो है वह भरा जाएगा 27 तारीख से, है ना। तो ऐसे में देखिए दोस्तों, मैं दो तीन बातें आपको बताऊंगा और कैसे तैयारी करनी है इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि ये बिहार पुलिस की वैकेंसी ही आई है, इससे पहले बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। बिहार सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस, रेलवे, वैकेंसी आती है चली जाती है। आप जहां रहते हैं वहीं रह जाते हैं। आपको अपनी कमियों को पहचानने की आवश्यकता है, आप खुद नहीं पहचान सकते हैं तो किसी की सहायता ले लें, वो आपकी कमियों को पहचाने और कमियों को दूर करें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो जो आप पढ़ रहे हैं और जो कमियां हैं उसको मजबूत कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है। तो इस बार मैं आप लोगों के साथ, जैसे बिहार पुलिस में बिहार पुलिस की वैकेंसी आने से पहले जैसे मैं आप लोगों के साथ जुड़ा था और अब तक जुड़ा हूँ, प्रतिदिन आप लोगों को क्लास भी करा रहा हूँ, मॉक टेस्ट भी लगवा रहा हूँ, तो ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे लड़के जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी, वहाँ जब हम क्विज कराते हैं वहाँ भी बहुत सारे लड़के जुड़े हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे लड़के जुड़े हैं, और रोज़ाना मेरा क्लास भी आता है बिहार पुलिस के लिए, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ठीक उसी प्रकार बिहार एसएससी के लिए भी मैं एक पूरी पैकेज आप लोगों को दूंगा। आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अब आप बहुत भटक लिए, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आप आए हैं। तो मैं थोड़ी थोड़ी बात आपको समझाऊं कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो बात करें कि वैकेंसी, तो आप लोगों को पता होगा कि 11,098 वैकेंसीज हैं, है ना, बहुत बड़ी सीट है ना, संख्या ये जो है कम नहीं होता है, 11,000 प्लस है तो अच्छी संख्या, ठीक। इसमें मान के चलिए कि एक सीट आपको सुनिश्चित करना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको फॉलो करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हम ही से पढ़िएगा, नहीं, अगर मुझसे भी कोई अच्छा आपको गाइड करे, कोई अच्छा सहायता करे तो आप वहीं पढ़िए। ज़रूरी ये नहीं कि आप हमसे पढ़े, ज़रूरी ये है कि आप सफल हो जाए किसी भी माध्यम से। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पढ़ा आपने पिछली बार भी था, पिछली बार जो आपको पढ़ा रहे थे उन्होंने भी यही संभावना दिया था आपको, है ना। लेकिन आपको परखना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और जो हमें शिक्षा दी जा रही है वो कहाँ से मिल रहा है, क्या दोनों का मेल है। अगर दोनों का मेल नहीं है तो समझ लीजिए कि ये बेमेल जो है यह आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ जीरो से कैसे स्टार्ट करें, जिन्हें कुछ नहीं पता है, जो हालिया में इंटर पास किए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उनका भी सपना है, बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो नए नए शुरुआत किए होंगे, तो उनको समझ में नहीं आता है और गलत फैसला ले करके और किसी ऐसे शिक्षक से चले जाते हैं जो दूसरे चीज़ की तैयारी करा रहा हो, अब आप उससे खरीद लिए या फिर उनके पास समय अपना देने लगे, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाता है। आपको समझना है दोस्तों कि इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, उसी को पढ़ना है, फालतू नहीं। ऐसा नहीं कि रेलवे के पढ़ा रहे हैं सर, बिहार एसएससी के आया तो वही वाला बिहार एसएससी में भी लेके चले आए, तो कहाँ से मिल खाएगा। रेलवे में साइंस बहुत ज़्यादा पूछता है कि नहीं, क्वेश्चन उसका रहता है साइंस आधारित रहता है। अब रेलवे और बीएसएससी का सिलेबस भी तो भिन्न है, तो रेलवे को पढ़ाते पढ़ाते आप वही चीज़ आप बिहार एसएससी के लिए पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के साथ छल कर रहे हैं। बच्चे बाद में ठगा हुआ महसूस करते हैं जब एग्ज़ाम हो जाता है, जब पीडीएफ देखते हैं तो उसमें उनका रोल नंबर नहीं आता है, तब उनको लगता है कि मैं ठगा गया हूँ इस बार। तो ऐसा नहीं होना है, आप बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे कैसे क्या करना है, मेरे साथ कैसे जुड़ना है, मेरे टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है, पूरी डिटेल में बताऊँगा कैसे आपको क्लास। देखिए हमारे पास आपको बिल्कुल निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं लगता है, सब कुछ फ्री में दिया जाएगा, सारे क्लासेस, सारे पीडीएफ और सारे क्विज, सारे मॉक टेस्ट, सब कुछ। तो ध्यान दीजिएगा, जीरो से स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों आपको फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से भरना है, उसमें कोई भी मतलब हड़बड़ा करके मत भरिएगा, नहीं गलती हो जाएगा, फिर पूरे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक परेशान रहेंगे आप, है ना। तो फॉर्म सबसे पहले बढ़िया से आपको भरना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, फॉर्म को अच्छे से भरें,
जो जो वैसे फॉर्म भरने पर भी मैं एक फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा कैसे क्या करना है, कौन कौन से फ़ोटोज़, कौन कौन से दस्तावेज, सब कुछ मैं बता दूंगा। जितने दस्तावेज़ हैं अभी ही बना लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद का दस्तावेज मान्य नहीं होगा, दिक्कत होगा, परेशानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अच्छे से फॉर्म भर लेना है। दूसरी बात कि आप सिलेबस को जान लीजिएगा, बिल्कुल जड़ से सिलेबस को जान लीजिएगा, एक एक पॉइंट सिलेबस को आप जान लीजिएगा। सिलेबस में क्या क्या पूछता है, देखिए दोस्तों, हिस्ट्री से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ठीक ठाक संख्या में। हिस्ट्री में आपको क्या क्या भैया, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत, यही तीन होते हैं हिस्ट्री में। तो इन तीनों से क्वेश्चंस मिलेगा, सर्वाधिक क्वेश्चन आपको आधुनिक भारत का देखने को मिलेगा। तो जब आप मेरे साथ क्लास में जुड़ेंगे तो मैं बिल्कुल डिटेल में सब कुछ पढ़ाऊंगा, सारा पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइए। हिस्ट्री आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक, ये तीनों आपको रहता है सिलेबस में, इनको भी कवर कर लेंगे हम लोग। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस जो है यह आप मोटा मोटी भाषा में इसको संविधान भी कह लीजिए, संविधान, इससे बहुत अच्छे संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे संख्या में। कहने का मतलब है कि 12-13 क्वेश्चंस मिल जाएंगे पॉलिटिकल साइंस से, तो अच्छा महत्व होता है, 12-13 क्वेश्चन का अच्छा योगदान होता है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी यानी भूगोल, भूगोल से भी क्वेश्चनों की संख्या ठीक ठाक रहती है, लगभग 17-16 इतना क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसका भी मतलब इम्पोर्टेंस है इस एग्जाम में, है ना। उसके बाद ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, उसके बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से आपको कम संख्या में क्वेश्चन मिलता है, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, हम सब पढ़ेंगे। छोड़े क्यों, किसके लिए छोड़े, पिछली बार भी हमने छोड़ा था ना, इस बार क्यों छोड़ेंगे आप, नहीं छोड़िए, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे आप, भले 5 ही क्वेश्चन पूछे लेकिन पढ़ेंगे। उसके बाद करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपको 10+ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ज़्यादा भी मिल सकता है, कम नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ आपको मेरे चैनल पर बिल्कुल निशुल्क और गुणवत्ता के साथ, बिल्कुल फुल डिटेल में, कोई कन्फ्यूजन नहीं, है ना। मैं आपको किसी झंडूबाम किताब से नहीं पढ़ाता हूँ, आप लोगों को मैं दिखा भी चुका हूँ, हमारा जो लाइब्रेरी है कि जितने भी बुक्स हैं सारे बुक्स बिल्कुल प्रमाणित हैं, अच्छे बुक हैं, है ना। तो उससे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ताकि जो गलती पिछली बार आपसे हुई है वो गलती दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। नहीं तो देखिए दोस्तों, वैकेंसीज अभी बहुत आ रही हैं, अभी देखिए बिहार पुलिस में 21,000 आया है, SSC में आया है 10-11,000 प्लस, सब इंस्पेक्टर का आने वाला है, UP पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC GD लगभग 80,000 के समथिंग इतना आने वाला है। तो बार बार आप गलती को दोहराएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा, मैं सबकी तैयारी कराऊंगा और बिल्कुल अलग अलग सिलेबस, यही नहीं कि माठा मेहंदी है एक ही में सब, वो काम नहीं होता है यहाँ, भले कम ही पढ़ाएंगे हम ये नहीं कि दिल्ली पुलिस का भी स्टार्ट कर दिए, रेलवे आया तो उसका भी स्टार्ट कर दिए, नहीं, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ पहले मैं आपको सिलेबस बताऊँगा और उस सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाऊँगा, ये नहीं कि बिहार पुलिस वाला पढ़ा रहे हैं आ गया बिहार SSC वही वाला हम घुसा दिए उसमें, नहीं, मैं आपको सिलेबस बताऊँगा, सिलेबस दिखाऊँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को क्लास स्टार्ट कराऊंगा। और इतना ही नहीं, रुकिए अभी, जाइए मत, जा कहाँ रहे भाई, ये तो सब कुछ आपको मिल ही जाएगा, उसके अलावा आपको मेरे साथ जुड़ने पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे बिल्कुल निःशुल्क, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। उसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपको मिलता रहेगा, हफ्ते में दो दिन मॉक टेस्ट मिलता रहेगा, जब एक एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो फिर डेली आपको टेस्ट लगाना होगा मेरे चैनल पर फ्री में, कोई पैसा नहीं। जैसे अभी बिहार पुलिस के लिए दोस्तों, मैं पिछले 6 महीनों से, आप लोग देख लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके, 6 महीने से रोजाना प्रैक्टिस सेट, कहने का मतलब क्विज जो है वह फ्री में लगवा रहा हूँ, सॉरी गिर गया देखिए, है ना, रोजाना फ्री में लगवा रहा हूँ। तो आप भी जुड़िए और बिहार SSC में अपना योगदान देने का जो सपना है उसको जरूर पूरा करें। रही बात दोस्तों कि मैथ और रीजनिंग, लगभग 75 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, तो मैथ और रीजनिंग के लिए देखिए, चूंकि मुझे भी ड्यूटी करनी होती है तो थोड़ा समय का अभाव होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैथ रीजनिंग भी करा दूँ
अगर नहीं करा पाऊँगा तो आप लोग को एक बेहतरीन चैनल बता दूँगा, वहाँ से आप मैथ और रीजनिंग को आप अच्छे से कर लेंगे, या फिर मैं आपको कोई बुक बता दूँगा जिससे आप पढ़ करके अच्छे से आप कर लेंगे। तो कुल मिला के परेशान नहीं होना है, जल्दी जल्दी आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर जाइए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और सुन लीजिए, अगर लिंक से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो टेलीग्राम में जा करके सर्च करिएगा पाठशाला विद के, लगभग 3,500 प्लस सब्सक्राइबर वहाँ मिलेंगे, उसी में ज्वाइन करिएगा। रेड कलर का लोगो है पाठशाला विद के, है ना, सर्वोच्च गुणवत्ता का वादा लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। तो वहाँ जा करके आप ज्वाइन कर जाइए, ज्वाइन करिए, मैं जल्द ही इसका क्लास स्टार्ट कर दूँगा। फिर अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर दीजिए, मैं जवाब दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।